झांसी में विधानसभा चुनाव के चलते लागू हुई आदर्श आचार संहिता के बाद सतर्क हुई पुलिस ने कमाल कर दिया। जिले में चले धर पकड़ अभियान के तहत पुलिस ने 24 घंटे में हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, गांजा, तस्करी आदि अपराध से जुड़े 327 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मेरा नाम महेंद्र सिंह यादव है। गाँव से आप ग्राम प्रधान है? मैं ग्राम पंचायत प्रवासी प्रधान प्रतिनिधि हूं। जी सर, जैसे कि आपको जानकारी है कि नया साल आ चुका है, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस आने वाला है, इन सभी पर आप अपनी जनता को किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे? सभी ग्रामवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी जनपदवासियों को नए वर्ष मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और लोगों को चाहता हूँ कि इन त्यौहार में बड़ी हिल मिल कर मनाएं। और इस समय कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, तीसरी लहर को देखते हुए सभी लोग दो गज की दूरी बनाएं और मास्क का प्रयोग करें और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। मेरी सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों से यही अपील है। पुलिस लाइन ग्राउंड में जानकारी देते हुए एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि एडीजी कानपुर जोन भानु भास्कर, डीआईजी जोगेंद्र कुमार, एएसपी शिवहरी मीणा के निर्देशन में जिले में सघन अभियान चलाया गया, जिसके तहत कोतवाली पुलिस ने 20 किलो गांजे के साथ एक तस्कर, 50 अभियुक्तों को अवैध शराब के साथ, 9 को अवैध तमंचों के साथ, 38 जुआरी सहित अन्य को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस कार्यवाही से अपराधियों में हड़कंप मच गया। वार्ता के दौरान सीओ सिटी डॉक्टर प्रदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आईपीएन। जानकारी हुई है, क्या है मामला, किन किन मामलों में मुकदमे दर्ज थे, कितने वारंटी है इसमें? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु अभियान 24 घंटे का चलाया गया। इस अभियान के दौरान 327 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कई व्यक्ति गंभीर अपराधों के दोषी हैं। कई अपराधियों का चालान 151 में किया गया है, आर्म्स एक्ट में किया गया है, शराब में किया गया है और गांजा बरामद की गई है। भारी मात्रा में चालान से आपको विस्तृत प्रेस नोट दिया गया है, उसके अनुसार कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जारी रहेगी। कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, मतदान को किसी भी तरह से प्रभावित करता हुआ पाया जाएगा या उसके प्रभावित करने की आशंका होगी, उसके खिलाफ कठोर निरोधात्मक और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने अपराधी पकड़े गए? कुल 327 व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जघन्य अपराधों के भी दोषी हैं। क्या क्या सामान मिला है गिरफ्त पास से? भारी मात्रा में शराब बरामद हुई, अवैध शराब बरामद हुई है, गांजा बरामद हुआ है, पट्टा बरामद हुआ है, देसी तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, चाकू बरामद हुए हैं। ये सब मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते थे, इसलिए इनकी गिरफ्तारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार। गांजा लगभग कितने किलो का?